3, 2, 1। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर सीमा के दोनों तरफ चर्चाएं होती रहती हैं, जिनमें ज्यादातर तर्क भावनात्मक होते हैं पर तथ्यों के आधार पर कोई बात नहीं करता। वैसे हम एक प्रगतिशील देश के रूप में उभरे हैं और विकास की दौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान आए दिन हमें परमाणु हमलों या युद्ध की धमकी देता रहता है, जो कि एक बहुत बचकानी हरकत है। हम युद्ध नहीं चाहते क्योंकि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं, हमें आगे बढ़ना है और जल्द ही भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित करना है। हमारा दुनिया के कई क्षेत्रों में योगदान है, इसके अलावा हमारे पास आगे बढ़ने की नीतियां और लक्ष्य हैं। लेकिन फिर भी यदि दुश्मन हम पर हमला करता है तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करेंगे भारत के ऐसे 5 घातक युद्ध के हथियारों के बारे में जिनका जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है। फाल्कन अवॉक्स। पाकिस्तान यदि जमीन, समुद्र या हवा से भारत पर हमला करता है तो उस हालत में भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान सीमा पर तैनात अवॉक्स यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम तुरंत इसकी सूचना कमांड ऑफिस को दे देंगे। अवॉक्स दुश्मन मिसाइल या जहाज के घर से निकलते ही तुरंत उसकी सूचना दे देता है। भारत दक्षिण एशिया का पहला ऐसा देश है जिसके पास हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली वाला जहाज है। ये जंगी जहाज 400 वर्ग किलोमीटर में दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखता है और कंट्रोल रूम को पल पल की खबर देता रहता है। फाल्कन उन मिसाइलों और जहाजों का भी पता लगा लेता है जो आम रेडार की पकड़ में नहीं आते। फाल्कन एक तरह का जंगी जहाज है। इस सिस्टम की मदद से पाकिस्तानी सेना के बॉर्डर पर या रावलपिंडी अथवा स्वात घाटी में क्या मूवमेंट है उसकी जानकारी भारत को रहती है। यही नहीं, यह जमीन, हवा और पानी पर एक साथ निगरानी करता है। फाल्कन में रक्षात्मक के साथ साथ आक्रात्मक क्षमताएं भी हैं। फाल्कन अपने दुश्मन के रेडार सिस्टम में भी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। युद्ध के समय यदि ऐसा होता है तो दुश्मन के खेमे में खलबली मच जाती है, क्योंकि सिग्नल कोर किसी भी सेना का आधार होता है। बिना सूचना के वे पंगु हो जाते हैं। फाल्कन बिना अपनी जगह छोड़े दुश्मन के जहाजों और मिसाइलों की निगरानी कर सकता है। फाल्कन को जैसे ही किसी मिसाइल का पता लगता है, वह यह भी पता लगा लेता है कि मिसाइल दुश्मन की है या दोस्त की। चाहे दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात, किसी भी मौसम में कम से कम ऊंचाई तक उड़ने वाले जहाज भी इसकी नजर से बच नहीं सकते। चीन तक के पास ये अत्याधुनिक तकनीक नहीं है। पाकिस्तान के पास अवॉक्स का कोई जवाब नहीं है। आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र इसलिए ज्यादा घातक बन जाती है क्योंकि इसके होने का पता तब लगता है जब यह दुश्मन पर हमला कर देती है। यह पनडुब्बी एक बार में 3 महीने से ज्यादा समय तक पानी के अंदर रहने में समर्थ है। आईएनएस चक्र पोत भेदी और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। भारत परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी रखने वाला 6ठा देश है। परमाणु ताकत से लैस आईएनएस चक्र पलक झपकते ही दुश्मन पनडुब्बियों और जहाजों पर हमला कर सकती है। यह न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई पनडुब्बी नहीं है जो परमाणु हमला कर सके। चक्र ऐसी तकनीक से लैस है जो शक्ति संतुलन को निश्चित तौर पर हमारी तरफ झुकाती है। भारत के पास ऐसी 2 पनडुब्बी हैं जो परमाणु हमला कर सकती हैं। उनमें से दूसरी आईएनएस अरिहंत है, जो पूरी तरह से भारत में बनाई गई है। पाकिस्तान के पास आईएनएस चक्र का भी कोई जवाब नहीं है। आईएनएस विक्रमादित्य। समुद्र पर चलता फिरता अभेद किला है आईएनएस विक्रमादित्य। 283 मीटर लंबा ये विमान वाहक युद्धपोत फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर है। विक्रमादित्य 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा और 44,500 टन भारी है। भारतीय नौसेना का सबसे लंबा और विशाल युद्धपोत समुद्र का दानव है आईएनएस विक्रमादित्य। इसकी तुलना पाकिस्तान के साथ करना ही इसकी बेइज्जती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास किसी भी प्रकार का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ये दानव जब समुद्र में चलता है तो दुश्मनों की सांसें रुक जाती हैं। इस पर मौजूद 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स MiG-29 के इसका सबसे बड़ा हथियार है। इस पर 6 कोमोव हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं, जो इसे पनडुब्बी हमले से भी बचा सकते हैं।
विक्रमादित्य 6 नली वाली AK-630 तोप से भी लैस है। जमीन से हवा पर मार करने वाली बराक मिसाइल इसे दुश्मन के लड़ाकू जहाज से बचाने के लिए इस पर तैनात है। 500 किलोमीटर के रेडियस में समुद्र की दसों दिशाओं पर नजर रखने वाला ये युद्धपोत MiG-29 के विमानों के जरिए आसमान पर 2000 किलोमीटर की दूरी तक दबदबा रखता है। INS विक्रमादित्य समुद्र में एक बार में 45 दिनों तक रह सकता है, यानी ये अकेला युद्ध के समय में 45 दिनों तक भारी तबाही मचाने के लिए काफी है। यही वजह है कि INS विक्रमादित्य को डिस्ट्रॉयर और गेम चेंजर जैसे नामों से जाना जाता है। ये अकेला ही युद्ध की तस्वीर बदल देने की ताकत रखता है। भारत उन देशों में से एक है जिसके पास अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, क्योंकि इसकी लागत ही $1 बिलियन में आती है। विक्रमादित्य की लागत ही पाकिस्तान की GDP की 1.5% है। अब तक कुल 8 देशों के पास ये ताकत है। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई चीज दूर दूर तक नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल, यह दुनिया की सबसे आधुनिक और सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। दुनिया की कोई भी मिसाइल तेज गति से आक्रमण के मामले में ब्रह्मोस की बराबरी नहीं कर सकती। यहां तक कि अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल भी इस मामले में इसके आगे कमतर है। पाकिस्तान की बाबर मिसाइल इसके आगे कहीं भी नहीं ठहरती। यह पाकिस्तान के साथ किसी टकराव की सूरत में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ब्रह्मोस मैन्यूवरेबल तकनीक से लैस है, यानी दागे जाने के बाद यदि लक्ष्य अपना रास्ता बदल ले तो यह मिसाइल भी अपना रास्ता बदल लेती है और उसे निशाना बनाती है। दरअसल दूसरे मिसाइल का टारगेट टैंक से दागे गोलों की तरह पहले से तय होता है और वे वहीं जाकर गिरती हैं। यह मिसाइल लेजर गाइडेड होती हैं, जो लेजर किरणों के आधार पर लक्ष्य को साधती हैं। मगर कोई टारगेट गतिशील हो तो उसे निशाना बनाना बहुत कठिन होता है। यही मैन्यूवरेबल तकनीक काम में आती है, यानी ब्रह्मोस चलते हुए टारगेट का पीछा करते हुए उसे तबाह कर सकती है। यह दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचते हुए उसकी सीमा के अंदर घुसकर ठिकानों को तबाह करने का दमखम रखती है। लेकिन पाकिस्तान के पास अभी तक कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। इस बात को देखते हुए ब्रह्मोस और भी ज्यादा घातक साबित होगी। फिलहाल इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है और भारत इसे 600 किलोमीटर से ज्यादा करने वाला है। फिर इसकी जद में पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। सुखोई फाइटर जेट्स। रूस के सहयोग से भारत द्वारा निर्मित सुखोई 30 MKI को दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन में से एक माना जाता है। यह कई मामलों में अमेरिकी फाइटर प्लेन F-16 से कहीं ज्यादा बेहतर है। यानी भारत के पास पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाले फाइटर प्लेन का महाजवाब मौजूद है। वर्तमान में भारत के पास 200 से ज्यादा सुखोई फाइटर प्लेन हैं। लंबाई से लेकर मिसाइल रेंज तक सुखोई पाकिस्तान के F-16 से कहीं बेहतर है। सुखोई कुछ ऐसी तकनीकों से लैस है जो दुनिया में किसी और फाइटर प्लेन में नहीं है। जैसे इसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो इसे किसी भी मौसम या दिन और रात दोनों के वक्त ही काम करने के काबिल बनाता है। साथ ही इसमें लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन सिस्टम लगा है। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगा है। ऑटोमेटिक सिस्टम से नेविगेशन सिस्टम को जानकारी मिलते ही यह खुद ही फ्लाइट के रूट से जुड़ी गुत्थियों को सुलझा लेता है, जिसमें टारगेट को नेस्तोनाबूद करने के अलावा वापस एयरफील्ड तक लैंडिंग करना शामिल है। सुखोई और भी भारी तबाही मचाने वाला विमान तब बन जाता है जब इस पर ब्रह्मोस मिसाइल को जोड़ दिया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ये दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक बन जाता है। वहीं F-16 सुखोई से काफी पहले विकसित होने के कारण इनमें से ज्यादातर आधुनिक सुविधाओं से कोसों दूर है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह हर भारतीय तक पहुंचे।